आपके सेंटेंस में आ रहा है ही भी आ रहा है, ही आ रहा है, शी आ रहा है, यू आ रहा है, वी आ रहा है, आई आ रहा है, दे आ रहा है और कोई नाम आ रहा है। तो आपको इसको ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है? ऑर्डर में लिखना है कि भाई ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो हमें क्या करना है, हमें इसको फॉलो करना है। यहाँ जो मैंने लिखा है ना, आपको यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं ना, ये यहाँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक दफा आप इसको समझें। अब यहाँ यू जो हमने लिखा, अब यहाँ पे जो आपका सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट में आप शी भी लगा सकते हैं, शी ही, या आप कोई भी नाम लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाम लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ जो, यहाँ आपने आए की जगह वही भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप यू या दे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको नोट कर लें, ये ऑर्डर में कभी कभार सवाल आपके आते हैं। यू, दे, शी, ही, यहाँ बीच में ये रखेंगे, ये आपका पार्ट सेकेंड होगा, ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट होगा। हाँ, सेकेंड पार्ट बिल्कुल। और थर्ड पर्सन आप आखिरी में इसको रखेंगे, ये तीसरे में जाएगा आपका। आई और वी फाइनल में आएगा, और यू और दे आप शुरू में रखेंगे। चलें, एक सेंटेंस बनाए आप, एक सेंटेंस बनाए। आई वुड लाइक टू सी कि आपको समझ आया है या नहीं आया। शाबाश, आएगा तो आप पहले ही रखेंगे, ही एंड आई, आई को आखिर में रखेंगे, ठीक है, ही एंड आई। अच्छा, इसको इसको थोड़ा सा ये भी समझना है। हाँ, दे, अली एंड वी आर गोइंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यू एंड ही, आई, सही है, यू ही एंड आई, बिल्कुल। तो आप लिखेंगे यू कॉमा ही एंड आई। तो यहाँ पे आपका, आपको क्लियर नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है भाई। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो परेशान होने की बात नहीं है कि भाई, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो परेशान ना हो, वीडियो हम शेयर करेंगे। इसको दो दफा, तीन दफा, चार दफा देख लेना, आपको मेरे ख्याल में चीजें क्लियर हो जाएंगे, आई एम श्योर, ठीक है। तो फिर साहब हम देखें। हाँ ठीक है, तो इसको हम, हमें समझना है कि स्पेशली जो आपका सवाल आएगा ना, स्पेशली इस तरह आता है यहाँ पे, या तो आपका ही आएगा, जैसे यहाँ शी आएगा, यहाँ शी आएगा, और इसको हमें समझना है, इस तरह सेंटेंस इस तरह आता है। बाकी दूसरे आप ऑर्डर में कहीं भी रख सकते हैं। ये तीनों को, सब्जेक्ट को, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, जो भी है, इसको आपको जहन में रखना है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, हम डिटेल में तरफ चलते हैं, इसको यहाँ तक छोड़ें, हम आगे चलते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो इसके साथ हम एक और सेंटेंस बनाते हैं। सपोज कि हम कहते हैं कि आई हैव नेवर गॉन टू कराची। सपोज हम कहते हैं आई हैव नेवर गॉन टू कराची, तो दूसरा सेंटेंस है नेवर आई हैव गॉन टू कराची। तो ये नीचे वाला सेंटेंस सही है, नेवर आई हैव गॉन टू कराची। शाबाश, बताएं हरी। अब ये सही है, चलें, ये सेंटेंस तो ठीक है, ये सेंटेंस तो भाई हम कहते हैं कि ये तो 100% सही है, ये तो सही है। लेकिन इस तरह अगर सेंटेंस आ जाए, क्वाइट समटाइम्स आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें आपका इस तरह भी आता है आपको, तो हमें ये समझना है कि यार, अगर इस तरह कोई सेंटेंस हमें मिलता है तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग अबाउट इट। तो इसे हमें समझना है कि इसका ये होगा कि भाई, नेवर जब भी आप कहते हैं, नेवर के बाद आप हमेशा रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। नेवर हैव आई गॉन टू कराची, नेवर हैव आई, ठीक है। इस तरह नेवर हैज शी गॉन टू कराची, ठीक है। नेवर हैव दे विजिटेड यूएसए, नेवर हैव दे विजिटेड। या अगर हम इसको इस तरह कहें कि नेवर, नेवर आएगा, ठीक है, नेवर आएगा, और फिर आपका नेवर विल आई विजिट दिस प्लेस, या नेवर विल आई विजिट माई माई फ्रेंड अली। नेवर विल आई, नेवर के बाद आप हेल्पिंग वर्ब देंगे,
कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, नेवर विल आए, नेवर चल आए, नेवर हैज ही, इस तरह नेवर एम आई गोइंग टू, तो हम क्या करेंगे, हम नेवर के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कोई भी अगर आपका हेल्पिंग वर्ब हो। जैसे हम कहें सपोज यहाँ नेवर मेक मिस्टेक्स, तो यहाँ पे होगा डू डज डूइंग और नन ऑफ देम। आपको समझना है, यहाँ पे मैं ही लगाता हूं, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि कौन सा पार्ट सेंटेंस में आएगा, आपको आएगा कि वुच पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम किस तरह डालेंगे, ठीक है। नन ऑफ देम आएगा, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप कर लेंगे ना, कोई इशू नहीं। थोड़ा सा मैं शायद तेज चल रहा हूँ, मुझे स्लो चलना चाहिए, थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। हम काफी चीजों को ओवरव्यू करते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आप हर किसी को समझ आ जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब देखें, हमें देखना है कि हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, ठीक है। हमें ये समझना है कि ये कौन सा है ना, तो नेवर के बाद नेचुरली जब हमने ही रखा तो हमें यहाँ पे ही कोई फॉलो करना है, तो यहाँ डज आएगा ना। अगर हमारा सेंटेंस इस तरह नहीं है, हम सपोज कि हम एक सेंटेंस और बनाते हैं और उस सेंटेंस में हम एक चीज डिस्कस करते हैं, उसमें हम इस तरह चले थे ना, सपोज कि यहाँ पे मैं ही की जगह, अब हम आ रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी मीनिंग का मसला है। हम कहते हैं कि मैंने ऐसे मोबाइल कभी नहीं खरीदे हैं, और नीचे वाले सेंटेंस में आता है कि मैंने तो ऐसे मोबाइल कभी नहीं खरीदे। बस ये फर्क है, इतना मसला नहीं है। मैंने तो, यहाँ पे हमारा होगा मैंने तो, और यहाँ पे हमारा होगा मैंने, बस ये डिफरेंस है इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में। इसमें हम थोड़ा सा इंसिस्ट करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं नीचे वाले नेवर है। मैंने तो अमी को कभी नहीं कहा, जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने तो ऐसा अमी को कभी नहीं कहा, जैसे एक सेंटेंस बनाए थे, मैंने तो ऐसा अमी को कभी नहीं कहा, मैंने तो ऐसा अमी को कभी नहीं कहा। तो जब आप इसको इस तरह बनेंगे तो आपको ये समझना है कि नेवर के बाद डायरेक्टली, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगी भाई, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगी, ये भी आपका नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगी, दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे नेवर हैव आई, नेवर डिड आई से दिस टू माई मॉम, तो इस तरह हमारा होगा। चलें, अब हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं, के साथ हम सिंपल वे में यहाँ गोज लगा रहे हैं। सपोज कि मैं अगर यहाँ शी लगा रहा हूँ, शी अलॉन्ग विद हिज विद हर मदर, तो इस तरह ऑप्शन आएगा, गोज गोज गो गोइंग और गॉन, ये चार ऑप्शंस आएंगे। तो सवाल इसी तरह आएगा, आपका सवाल आपका हमेशा यही ऑप्शंस होते हैं कि भाई इन नीचे में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जब हमें आइडिया होगा कि भाई सर ने हमें बताया था कि जब हमारे किसी सेंटेंस में अलॉन्ग विद का हम इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये वाला जो पार्ट सब्जेक्ट है अलॉन्ग विद के बाद, तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं, तो नेचुरली हम यहाँ पे गोज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है ही went to Karachi along with his father, इस तरह भी सही है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह करेंगे he along with his father, तो यहां पे आपका आएगा, हाँ क्या होगा, डू डोंट आपका आएगा, डजंट आपका आएगा,
ठीक है, और डूइंग आपका आएगा। तो ये इस तरह ऑप्शंस भी आते हैं, यहां डू नॉट यहां लगाएंगे, डू नॉट वेस्ट टाइम या डज नॉट वेस्ट टाइम, ही अलॉन्ग विद फादर, डू नॉट या डज नॉट वेस्ट टाइम। तो हमें इसी को देखना है कि ये वाला जो सब्जेक्ट है अलॉन्ग विद के बाद कौन सा फॉर्मेट अपने साथ लेगा, दिस इज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल में हमें आपका क्लियर हो गया। अब यहां देखें, ही लगाया, ही अलॉन्ग विद हिज वाइफ गोज टू कराची, या ही गोज टू कराची, यहां इसको लगा सकते हैं अलॉन्ग विद हिज वाइफ, ये भी दोनों सही है, इस तरह भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह लगाएंगे तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि यार यहां पे हमारा गोज आएगा, और इस तरह लगा ही गोज टू, तो ये आपका ये भी सही है, आप इस तरह भी लगा सकते हैं। चलें एक सेंटेंस अगर आप बनाएं, और मैं एक बताता हूं आप, एक दूसरा सेंटेंस है, ही इज वॉकिंग इंडस रिवर, इसमें भी आपका ऑन आएगा, एट आएगा, अलॉन्ग आएगा और नन ऑफ देम आएगा, इस तरह भी आपका सवाल आता है। जब हम रिवर की बात करें, ये देखें इंडस जो है ना, इंडस हमारा रिवर है, ठीक है, इंडस हमारा रिवर है, तो जब हम रिवर की बात करेंगे तो एक बात समझें, तो वो हमेशा अलॉन्ग होता है, एट नहीं होता, एट नहीं होता, अलॉन्ग होता है। इसी तरह हमारा जो फुटपाथ होगा तो हम कहेंगे ही वॉक्स अलॉन्ग द फुटपाथ, ठीक है। चलें तो ये रूल ज़हन में रखना है। चलें दूसरा हम रूल देखते हैं कि दूसरा रूल क्या है, तो रूल्स को हम वन बाय वन कोशिश करेंगे कि हम फॉलो करेंगे 15 रूल्स में, तो ये सारे रूल आ रहे हैं। अब इसमें एक तो दूसरा रूल ये भी है कि यहां अगर हम सेंटेंस देखें, द गेस्ट अलॉन्ग विद, ये हो गया हमारा, और द गेस्ट अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड टू सन्स, अगर इस तरह सेंटेंस आपका, सपोज के यही सेंटेंस आपका हम नीचे रखते हैं, ये सेंटेंस अगर आपका इस तरह आ जाए, तो ये जहन में रखना है कि ये वाला फार्मूला आ सकता है, प्रॉबिलिटी है। अब यहाँ पे देखें, ये हमने लिखा है ना, ये वाला सेंटेंस गलत है, द गेस्ट अलॉन्ग विद वाइफ एंड टू सन्स, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ जैसे आप लोगों को नजर आ जाए। अब द गेस्ट अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड टू सन्स, लोग क्या करते हैं, ये दो को देखते हैं ना, टू सन्स हैं, तो टू सन्स को देखने के बाद यहाँ पे लगाएंगे आपका सर आएगा, वर आएगा, क्योंकि यहाँ टू सन्स, हालांकि इसको नहीं देखते कि यहाँ अलॉन्ग विद लगा हुआ है, बस जल्दी करेंगे ना तो आपको, आपसे गलती हो सकती है, आपको जल्दी नहीं करनी। द गेस्ट अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड टू सन्स, यहाँ वाज आपका आएगा क्योंकि हमने बताया कि अलॉन्ग विद लगा हुआ है। चलें अब हम रूल में देखते हैं कि रूल में कौन कौन से है, और अलॉन्ग विद है और विद हिज फैमिली एंड स्टाफ, इसी तरह ये सेंटेंस आप देखें, इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी करूं, इसको अगर सपोज कि मैं यहाँ से कॉपी करूं और इसको यहाँ पे रखता हूँ, इस सेंटेंस की तरफ यहाँ पे रखता हूँ, तो ये सेंटेंस भी आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ अलॉन्ग नहीं लगाया, यहाँ हमने विद लगाया है खाली, अलॉन्ग नहीं लगाया, तो अगर आप इस सेंटेंस में खाली विद भी लगाते हैं, द एम्बेसिडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ, तो ये देखें ये बीच में है ना, ये समझे इसको विद, तो अलॉन्ग लगाएं या विद लगाएं, अलॉन्ग या विद लगाएं, तो ये इसको मॉडिफाई करेगा एम्बेसिडर को, यहाँ एम्बेसिडर है, इसको मॉडिफाई करेगा, तो इनवाइट यू टू अ रिसेप्शन एट द एम्बेसी ऑन ट्यूजडे आफ्टरनून एट 5 o'clock। चले तो ये रूल आपको समझ आ जाए। चले अब यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑल द पीपल, तो जब भी आप ऑल का लफ्ज इस्तेमाल करें तो इसके साथ आपका हमेशा द रखना है, आप सब हमेशा आ के साथ द लगना है। अच्छा अब मसला होता है कि ऑल इज ओके और ऑल आर ओके, इसमें आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा कि अगर सेंटेंस में आपका आ जाए कि ऑल इज ओके, ऑल आर ओके, कौन सा सही है, शाबाश बताएं कौन सा सही है, ऑल इज ओके या ऑल आर ओके, शाबाश, ऑल इज फाइन या ऑल आर फाइन, कौन सा सही है, ऑल आर फाइन या ऑल इज फाइन, शाबाश बताएं,
ऑल इज फाइन या ऑल आर फाइन? अच्छा, ऑल के साथ ही लगेगा, अनकाउंटेबल है, ठीक है। चले, अगर मैं कहूं ऑल द पीपल, अब मुझे बताएं इज आएगा, आर आएगा या नन ऑफ देम आएगा? अब बताएं, शाबाश अरियब। वेरी गुड, जबरदस्त, क्या बात है, मेहनत से हर चीज पॉसिबल है भाई। वेरी गुड, जबरदस्त। चले, मैं अगर कहता हूं कि ऑल आर कमिंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी और ऑल इज कमिंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, शाबाश, बताएं इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, ऑल आर कमिंग या ऑल इज कमिंग, शाबाश, बताएं। अब यहां पे आप कहते हैं ऑल इज फाइन और यहां पे कहते हैं ऑल आर कमिंग, वेरी गुड। अब आपको देखना है कि आपका जो मतन है ना सेंटेंस का, ठीक है, आप कहते हैं कि यार शादी में, आप कहते हैं शादी में कौन कौन आ रहा है, तो आप कहते हैं, आप कहते हैं कि शादी में सब लोग आ रहे हैं, तो आप कहते हैं ऑल आर कमिंग टू अटेंड द मैरिज, ऑल आर कमिंग टू अटेंड द मैरिज। अब यहाँ पे काउंटेबल और इनकाउंटेबल का बस ख्याल रखना है। अगर आपके सेंटेंस में आपका मतन काउंटेबल है, लोगों को मॉडिफाई कर रहे हैं, लोगों को मॉडिफाई कर रहे हैं किसी को काउंटेबल को, तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ आर का इस्तेमाल करेंगे अगर आप काउंटेबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने आर दिया है ना, ये मॉडिफाई कर रहा है लोगों को, ये पीपल को मॉडिफाई कर रहा है, किसको, पीपल को मॉडिफाई कर रहा है, कि लोगों को मॉडिफाई कर रहा है कि भाई सारे पीपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पीपल हमने हाइड किया है, पीपल को शो नहीं किया, लेकिन इसको हमने हाइड किया है, क्लियर? नहीं भाई, इसका इस तरह होगा, हिज ऑल नॉलेज, आप इसको कहेंगे हिज ऑल, आप कहेंगे हिज ऑल नॉलेज इज फाइन, इस तरह होगा, ठीक है, हिज ऑल पेन हिज ऑल पेन हिज या हैव गॉन, तो आपका हेज भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, नन ऑफ देम भी आ सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे पेन है ना, तो पेन को समझना है। इसी तरह ऑल द वाटर वेस्टेड, तो यहाँ इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है और नन ऑफ देम भी आ सकता है, ऑल द वाटर, और यहाँ पे हम कहेंगे ऑल द पीपल, तो यहाँ इसी तरह इज भी आएगा, आपका आर भी आएगा और नन ऑफ देम भी आएगा। समझना है ना, चीजों को समझना है। अब आपको मेरे ख्याल में क्लियर होगा, यहाँ मैंने जो वाटर दिया है ना, तो क्योंकि वाटर लिक्विड है, वाटर यहाँ लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए हम नेचुरली यहाँ इज का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ हमारा पीपल है, तो नेचुरली जब पीपल होगा तो पीपल के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में मैंने आपको समझा दिया है। हाँ, ऑल द फैमिली, बिल्कुल सही है, ऑल द फैमिली, बिल्कुल सही है, एग्री करता हूँ आप लोगों से, एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। हम कहेंगे ऑल द फैमिली, ऑल द फैमिली गोइंग टू अटेंड,
तो यहाँ आपका आर भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है और नन ऑफ देम भी आ सकता है। लेकिन यही सेंटेंस अगर हम नीचे करके रखेंगे, ऑल द फैमिली, यहां मैं देता हूं मेंबर्स, यहां मैं दे देता हूं मेंबर्स, फैमिली के साथ मैंने यहां मेंबर दे दिए, क्लियर है। तो हमें ये समझना होगा कि ऑल के साथ अगर हम यहां देखें, फैमिली सिंगुलर है ना, तो यहाँ सिंगुलर है तो नेचुरली यहाँ पे हमें सिंगुलर रखना है, और यहाँ हमने मेंबर दे दिया है, मेंबर दे दिया है तो मेंबर के साथ क्या होगा, यहाँ हम आर दें, ठीक है। चलें एक सेंटेंस बनाएं, ऑल के साथ लगाएंगे भाई, ऑल द इंफॉर्मेशन, यहाँ द लगाएंगे, ऑल द इंफॉर्मेशन द लगाएंगे, ऑल द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑल के बाद देखें, अगर ऑल के बाद ऑल माय लगाएंगे तो द नहीं आएगा, ऑल माय फ्रेंड्स आर, ऑल माय फ्रेंड्स आर गोइंग, या ऑल द फ्रेंड्स आर, तो अगर ऑल के साथ पॉजिटिव नहीं लगा रहे, ऑल द फ्रेंड्स आर गोइंग, क्लियर है। बताऊंगा आप लोगों को, यहाँ देखना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि एवरीवन हु कम्स टू अटेंड द क्लास, अब यहाँ क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करूं, नीचे रखता हूं, ठीक है, ये मैं यहां से काट देता हूं सारे, सिर्फ एक सेंटेंस यहां पर रखता हूं जैसे आप लोगों को समझा सकूं। अब मैंने एक एग्जांपल दिया, एवरीवन हु कम्स टू अटेंड द क्लास, अब ये इस तरह आएगा, और इसके साथ साथ आपको इस तरह भी देते हैं कि गेट्स लेट्स, या इसमें आपको आएगा गेटिंग लेट, कौन सा सही है, शाबाश। रूल्स में आपको समझाऊंगा और रूल्स को ज़हन में रखना है। एवरीवन हु कम्स टू अटेंड माय क्लास गेटिंग लेट, गेट्स लेट, गेट लेट, या नन ऑफ देम भी आ सकता है, शाबाश हरियाब, ओके वेरी गुड, जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा गेटिंग लेट होगा, सही, जबरदस्त। फर्स्ट टाइम मुझे जो है ना, सारे के सारे बच्चे गलत हैं, फर्स्ट टाइम, समीना के अलावा, समीना ने अभी लिखा है, फर्स्ट टाइम सारे के सारे बच्चे गलत हैं, समीना के अलावा और सोबिया के अलावा। देखें यहां आपका, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एवरीवन, एवरीवन, तो भाई देखें यहाँ पे हमारे सेंटेंस में आ रहा है एवरीवन, एवरीवन आपका सिंगुलर है, एवरीवन सिंगुलर है, तो एवरीवन के बाद हम जब एवरीवन के बाद आए तो ये हु हमारा सिंगुलर हो जाएगा, एवरीवन हु कम्स, तो यहाँ हमने कम्स लगा दिया, हु कम्स टू अटेंड माय क्लास। अब यहाँ जो ये जो एवरीवन है ना, तो ये एवरीवन को यहाँ मॉडिफाई करेगा, तो नेचुरली यहाँ गेट्स लेट होगा आपका, क्या, गेट्स लेट होगा, क्योंकि एवरी वन हु कम्स टू अटेंड माय क्लास गेट्स लेट। सपोज कि मैं एक मिसाल आपको दूं, अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह लिखूं, यहां पे आ जाता हूं, ये मैं बीच वाला सारा काट दूं, अब मुझे बताएं अब क्या आएगा, ये सारा बीच वाला काट दिया, एवरी वन गेट लेट, गेटिंग लेट, या समझ आ रहा है, नहीं, देखिए मिसालों के सिवा तो मैं समझाता ही नहीं हूं ना, मैं आप लोगों को देता हूं मिसाल। अगर आप जैसे कह रहे हैं ना कि एवरीवन इज गेटिंग, अगर हम कहेंगे एवरीवन, यहां पे हम इज लगाएंगे, इज लगाने के बाद हम ये सारे के सारे लेके आते हैं, ठीक है, जितने के जितने हैं इनको हम यहां लगाते हैं, अब एवरीवन इज यहां पे आ रहा है, और इसी तरह मिसाल दूंगा ना, मिसालों के सवाल तो किसी को समझा नहीं सकते आप। अब ये आपके तीन सेंटेंस हो गए, सेंटेंस नंबर आपका वन हो गया, सेंटेंस टू, सेंटेंस थ्री। अब एवरीवन, तो जब एवरीवन आएगा तो नेचुरली हम गेट्स लेट लगाएंगे, और इसी तरह इसमें भी हम गेट्स लेट लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, और इसमें हम एवरीवन, यहां हम क्या लगाएंगे, हाँ, तो अगर हम इसी सेंटेंस को, ऊपर वाले सेंटेंस को मैं ले आऊं तो यहाँ पे रखूं, सपोज एवरीवन हु कम्स टू अटेंड माय क्लास, तो यहाँ मैं सपोज के इज लगाता हूं, सपोज, अब मुझे बताएं
कि अगर यहाँ पे इस सेंटेंस को मैं इस तरह लेके चलूं तो इसमें क्या आएगा लास्ट वाले में? अब लास्ट वाले में क्या आएगा? अब देखें यहां पे, अब यहां पे मैंने क्लास के साथ इज का लगाया है। अब यहां पे मैंने लगाया है आपका इज का। जब हमने इज लगाया तो नेचुरली हम यहां पे इज गेटिंग लेट कराएंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो एवरी वन जो है इसको मॉडिफाई करेगा। यहाँ एवरी वन हु कम्स टू, यहाँ कम्स आ रहा है एवरी वन। अच्छा, क्वाइट सम टाइम आपका इस तरह भी आ सकता है सेंटेंस में, एवरी वन यहाँ लिखेंगे एवरी वन हु अटेंड माय क्लास, हु द क्लास। अब यहाँ पे गो भी आएगा, गोज भी आएगा, गोइंग भी आएगा, गॉन भी आएगा और नन ऑफ देम भी आएगा। तो क्या होगा इसका सही? इस तरह आपका आ सकता है पेपर्स में। और ये चीजें मैटर करती हैं हमारी जिंदगी में, हमें एक चीज एक दफा आनी चाहिए। अच्छा, गॉन आएगा, वकार कह रहे हैं गॉन आएगा। एवरीवन हु गोज आएगा। तो यहाँ पे appreciated। अच्छा, इसमें अभी मेरे दो फॉर्मेट आए हैं, एवरीवन हु, हु यहां देखें हु क्या है, डैश टू अटेंड द क्लास appreciated। अब ये जो सेकंड पार्ट में आपका आएगा ना, तो इसमें इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, have भी आ सकता है और none of them भी। दो फॉर्मेट भी आपके आते हैं। Sometimes oblique देके, मैंने तो नीचे लिखा है, लेकिन oblique देके आपको दो फॉर्मेट भी दिए जा सकते हैं कि भाई अभी हमें बताएं कि इसमें कौन सा फॉर्मेट पड़ेगा। तो go के साथ is भी आएगा oblique करके और goes के साथ are भी आएगा oblique करके। अब यहाँ के क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है who, यहाँ हमारा आएगा who goes to, who goes to attend the class, तो फिर हम कहेंगे is appreciated। और अब अगर हम इस सारे सेंटेंस को एक जगह लिखें, इसी सारे सेंटेंस को वन टाइम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि everyone who goes to attend the class is appreciated। क्लियर है? सारा सेंटेंस इस तरह है, सारा का सारा सेंटेंस है आपका इस तरह है। चलें, फिर हम आपको बता रहे थे कि भाई अभी हमें बताएं कि अगर आपके सेंटेंस में इधर है, नीदर है, एनीवन है, एनीथिंग है, एवरीवन है, नो वन है, व्हाटएवर है, ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। ये रूल नंबर सेकंड जो होगा ना, ये रूल नंबर सेकंड हमें डिटेल में इसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह। मंडे से हम इसको सही से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, जैसे आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, वहीं पे जाके आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।